गुड इवनिंग, सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं मोगरे का पौधा लेकर आई हूँ आपके सामने। देखिए, अभी इसे गर्मियों के लिए तैयार करना है, तो कैसे करें फ्रेंड, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। देखिए, मेरा कटिंग से लगा हुआ था और डोरमेंसी में था, अब इसका सीजन आएगा फ्रेंड गर्मियों में, फरवरी से चालू हो जाएगा इसका सीजन, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ तो धूप होती है अच्छी खासी। तो अभी से हम ये पौधे के साथ इसे बहुत सारा फ्लावर मिले और हमारा गार्डन में कूटे इसके फ्लावर से, इसके सुगंध से, तो अभी से ये काम करना ज़रूरी है फ्रेंड। तो अभी से कर लीजिए एक काम, तो ये आपको बहुत ही सारे फ्लावर देंगे। पहले तो क्या है कि इसका गुड़ाई कर लीजिए, अच्छे से गुड़ाई करें। इसके जो पौधे को फ्रेंड रूट बाउंड हो गया है, तो आप उसको रिपोर्टिंग भी कर ले कोई बड़े गमले में अच्छे से, क्योंकि ये रूट बाउंड जल्दी हो जाता है फ्रेंड। तो बड़े गमले में आप रिपोर्ट कर ले, अच्छा रहेगा। देखिए, मेरी मिट्टी तो हमारे यहाँ की मिट्टी चिकनी, बहुत ही चिकनी होती है, पर मैंने भुरभुरी बनाई है। देखिए, ऐसे तुरंत निकल जाती है हाथ से भी, बहुत ही अच्छी मिट्टी बनानी चाहिए, इसे भुरभुरी मिट्टी चाहिए। चिकनी मिट्टी में तो ये ठीक से नहीं होता है फ्रेंड, कोई कोई पौधा ऐसा होता है, इसे चिकनी मिट्टी चाहिए, पर इसे तो भुरभुरी मिट्टी चाहिए। और फ्रेंड, इसके बहुत सारे नाम है, जास्मिन है, जूही है, मोगरा है, चमेली है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी वेराइटी है। ये गजरे वाला भी आता है, सिंगल पंखड़ियों का भी आता है, बेल भी आती है, ड्राफेरेटी का भी आता है। आप बहुत सारे इसमें प्लांट देखेंगे, बहुत सारे नाम है इसके, पर इसकी केयर तो फ्रेंड बहुत एक की जैसी है सबकी। जास्मिन हो या डोलर हो, मोगरा हो, कुंदा हो, कोई भी जो इसके फैमिली का जो भी पौधा हो, केयर तो एक जैसी ही होती है फ्रेंड। तो आप भी अभी ये काम कर लिए, जनवरी में ये काम करें जो आपको बहुत ही अच्छे गर्मियों में फ्लावर चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें से मैंने एक कटिंग भी निकाला था, तो ये मैंने लगाया है, तो वो भी लग गया है, पर अब इसका कटिंग लगाने का समय तो फरवरी में होगा। आप कटिंग करेंगे अभी तो लग सकता है, आप लगा दीजिए, पर मैं तो अभी इसका ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ कि गर्मियों में हम बहुत सारे फ्लावर मिले, बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी, तो इसमें से बहुत सारे हमें फ्लावर मिलेंगे और हमारा गार्डन गर्मियों में इतना महकता रहेगा फ्रेंड, बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। और वो पूरे साल भर फ्रेंड इसमें फ्लावर तो आते ही है, थोड़े बहुत मेरे यहाँ तो पूरे साल आते रहते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि ठंडी में भी मेरे तो यहाँ फ्लावर एक दो तो आते रहते हैं। जैस्मिन में है मेरे पास, जूही है, मोगरा है, मोगरे की बेल है, ये ड्राफेरेटी का है, पर बहुत ही ऊंचा भी जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, जो हम बढ़ने दे तो बेल की तरह भी हो जाता है, तो हमें ऐसे बढ़ने देना ही नहीं देना है। बेल रखनी है तो आप बेल भी रख सकते हैं, बेल अलग होती है फ्रेंड, सिंगल पंखड़ियों की होती है, वो बेल होती है। इसमें तो बहुत सारी पंखड़ियाँ गजरे वाला ये मेरे पास है, तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी फ्रेंड इसका आप कटाई छटाई कर लीजिए, क्योंकि कटाई छटाई करने से नई सूट निकलेगी और गर्मियों में बहुत सारे फ्लावर आएंगे। जितनी कटाई करेंगे आप, इतनी नई सूट निकलेगी और बहुत सारे फ्लावर भी आएंगे। हमारे यहाँ तो फ्रेंड गर्मियाँ, तो देखिए नई सूट भी निकल रही है, ये देखिए ये नई सूट निकली है। तो अभी इसका सीजन आ गया है फ्रेंड, जनवरी में ज़रूर कर लीजिए ये काम कि आपको बहुत ही गर्मियों में फ्लावर मिले। तो बस मैं यही करने आई हूँ ऊपर, मैंने यहाँ से कट किया था, देखिए। तो ये फ्रेंड यहाँ से टूट गई थी डाली, तो मैंने कट करके दूसरी जगह लगा दिया, वो भी हो गया है। ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है फ्रेंड, और गर्मियों में बारिश में बहुत सारे फ्लावर इसमें आते हैं, आप सबको पता है फ्रेंड, बहुत सारे फ्लावर आते हैं। ये सॉइल भी बहुत ही अच्छी रिच सॉइल बनाइए, खाद भी दे आप तो भी अच्छे से खाद दीजिए इसे,
तो बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। अब इसे तैयारी करना है हमें गर्मियों के लिए। मेरे यहाँ तो सब जगह देखिए नई नई फूट भी निकलने लगी है। यहाँ से मैंने जो टूट गया था तो डाली वो काट कर मैंने लगाई थी, तो यहाँ से नई फूट निकली है, दो निकली है देखिए। तो जितनी हमारे पौधे में शूट निकलेगी इतना फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा। तो पहले तो फ्रेंड आप इसका गमला देख लीजिए, गमला बड़ा होना चाहिए, 10 इंच का 12 इंच का बहुत ही अच्छा गमला रहता है इसके लिए, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो ये पौधे में आपके पास पौधा हो उसमें फ्लावर ना आता हो तो आप ज़रूर देख लीजिए इसका रूट बाउंड हो गया होगा। तो रूट बाउंड हो गया है तो फ्रेंड आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बड़ा गमला भी दे सकते हैं, तो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा ये सीजन में। तो ये भी चेक कर लीजिए आप। और इसकी सोइल फ्रेंड बनाए तो इसमें रेत ज़रूर डालिए, चिकनी मिट्टी में मत लगाइए। हमारे यहाँ तो चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, वो चिकनी भी बहुत होती है, पर मैं इसमें सब डालती हूँ। तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए इसके लिए। और ये पौधे को आप फ्रेंड गर्मी में या ठंडी में या बारिश में जहाँ धूप मिलती है वहाँ ही रखिए। मेरे यहाँ तो पूरे सुबह से शाम तक धूप में ही रहता है फ्रेंड ये पौधा। हमारे यहाँ गर्मियों में भी बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, ज़्यादा 45 तक चला जाता है कभी कभी, ठंड इतनी नहीं होती पर गर्मियाँ हमारे यहाँ बहुत तेज़ होती है। तो अभी हमारे यहाँ गर्मी होने लगी है तो ये भी नई नई फूट निकाल रहा है, देखिए सब जगह नई नई निकली है सूट, देखिए यहाँ भी निकला है। तो मैं ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगी फ्रेंड इसे, क्योंकि अब जो मैं अब इसके बाद में करूँगी फरवरी में इसका कटिंग करूँगी फ्रेंड, तो ये बहुत देर हो जाएगी मेरे पौधे के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी बहुत ही धूप तेज़ हो गई है गर्मियों जैसी। सुबह सुबह थोड़ी ठंड रहती है और रात को थोड़ी ठंड रहती है, बाकी दोपहर को तो बहुत पूरा दिन तो अच्छी धूप है। तो फ्रेंड अभी से मुझे ये करना होगा, आपके यहाँ जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, अच्छी धूप निकले तभी करिए, क्योंकि आपके वहाँ सबके वहाँ अच्छी एक जैसा नहीं रहता है एनवायरनमेंट, आपके वहाँ जैसा रहे इसके हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट करिए। तो मैं तो अभी से कर रही हूँ, मेरे पास दो पौधे, ये गजरे वाला मोगरा है और मेरे पास एक बेल भी है, वो मैंने नीचे है, एक मेरी बेल बड़ी बहुत ही 30 साल से है मेरी लगी है नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्यारी में लगी है, और उसमें से मैंने एक यहाँ कटिंग भी लगा दिया है, उसमें भी बहुत गर्मियों में अच्छे फ्लावर आते हैं फ्रेंड, मैंने आपके साथ शेयर भी कई बार किया है। देखिए फ्रेंड ये है मेरी बेल, ये बेल है, अब इसका भी मुझे प्रूनिंग करना है और इसमें भी मैं खाद दूंगी, तो बहुत इसे भी तैयार करना है गर्मियों के लिए। ये मेरी बेल है, इस सिंगल पंखुड़ियों का फ्लावर आता है इसमें, मैंने नीचे से एक मटके में कटिंग लगाया है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारे फ्लावर आता है, मैंने बारिश के सीजन में इसका कटिंग कर दिया था, अभी थोड़ा बहुत करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी और इसे खाद दे दूँगी इसे। ये पौधा है, देखिए सब पौधे फ्रेंड जो ये मोगरे के फैमिली के हैं पौधे, उसमें सब में अलग अलग पत्ते होते हैं, पत्ते का शेप भी अलग होता है, जैस्मिन में अलग होता है, इसमें मोगरे में भी अलग होता है, ये जुई का है तो इसमें भी अलग होता है, एक ही फैमिली के है फ्रेंड ये, इसमें भी फ्लावर अच्छे आते हैं तो बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए ये इसमें भी अभी फ्लावर एक दो तो खिलते ही है, ये भी कलियाँ भी बनी हुई है, तो ये भी मोगरे की फैमिली का ही है, जास्मिन है, कुंदा है और मोगरा है, वो सब एक ही फैमिली के हैं फ्रेंड। ये है, इसमें तो फूल आते ही रहते हैं फ्रेंड, जो ये यहाँ से मैंने अभी फूल निकाला है, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, इसमें फूल आता है तो बस अब इसका सीज़न आ गया है कि इसकी केयर करें, अच्छे से ट्रीटमेंट दे, तो बहुत ही अच्छे से इसे तैयार करना है गर्मियों के लिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आए फ्रेंड। इसे खाद बहुत ही अच्छा चाहिए, हेवी फीडिंग है ये मोगरे का पौधा, तो इसमें बहुत अच्छी खाद भी देनी है, गुड़ाई करके कटाई छटाई करके, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा गर्मियों में। गर्मियों के लिए बस इसे तैयार करना है और कुछ नहीं है, क्योंकि अब इसका सीज़न आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे से हम गुड़ाई करके इसे अच्छी खाद दे देंगे,
तो गर्मी में बहुत ही अच्छा फ्लावर देंगे हमें। तो फ्रेंड मैं अभी यही कर रही हूँ, देखिए इसका गुड़ाई मैंने कर ली है अभी आपके सामने ही की। थोड़ी गुड़ाई करिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। देखिए मैंने ये 2 इंच जितना तो कर ही लिया है, और इसको आपको खाद क्या दे फ्रेंड। पहले तो मैं इसमें थोड़ी कटाई छटाई कर लूँ, ऊपर से जो थोड़े बहुत है वो मैं निकाल दूँ। एक तो मैं यहाँ से ये निकाल दे रही हूँ, वहाँ से डाली टूट गई थी तो मैंने ये निकाल दिया फ्रेंड। अभी एक यहाँ से मैं निकाल दूँ, देखिए जहाँ से मैं काटूँगी फ्रेंड, कटाई छटाई करेंगे जहाँ वहाँ से, वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी अच्छी डालियाँ निकलेगी। एक यहाँ से भी कर लेती हूँ। हार्ड प्रूनिंग करना है फ्रेंड, अभी इसका हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो भी अच्छी, तो ही अच्छे से इसकी रूटिंग होगी और फ्लावरिंग होगी। देखिए यहाँ तो ऊपर तो आ गया है, इसकी नई सूट आ गई है, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी उसे छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अब गर्मियाँ बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, तो मुझे ज़्यादा कटाई नहीं करनी है। जो ऐसे डालियाँ होती है ना, इसे मैं कर लूँगी। देखिए ये है ना, इसे मैं कर ले रही हूँ, पतली डाली है, ये भी एक पतली डाली है, इसे भी मैं निकाल रही हूँ। बहुत पतली डाली है तो निकाल दीजिए फ्रेंड, थोड़ी मोटी डाली है तो रहने दीजिए। और आप जितनी आप अच्छे से कटिंग करेंगे उतनी अच्छी टेनियाँ निकलेगी, नई नई सूट निकलेगी, नए नए डालियाँ बनेगी, तो नए नए फ्लावर बहुत ही अच्छे से फ्लावर आएंगे, नए नए तो नहीं पर अच्छे से फ्लावर आएंगे। और जहाँ मैंने ये काटा है ना फ्रेंड, यहाँ से फ्रंट किया है ना, मैं वहाँ में साफ पाउडर लगा दूँगी, देखिए ऐसे, ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। और इसे खाद क्या देना है फ्रेंड, मैं खाद की बात करूँ तो देखिए, तो मैंने नीम खली ली है, नीम खली है, ये बोन मिल है, साफ पाउडर है, और ये है देखिए, ये क्या है फ्रेंड आप बता दीजिए। देखिए वर्मी कंपोज है। अब इसमें थोड़ी मैं राख भी डाल दूंगी, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। एक मुट्ठी राख डालूंगी, राख से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है हमें फ्रेंड। हर पौधे में आप राख डालिए, मैं तो सब मिट्टी बनाती हूँ, जब भी मैं राख तो डालती ही हूँ। राख बहुत अच्छी रहती है हमारे पौधों के लिए, फॉस्फोरस मिलता है उसमें से, जिंक सब इसमें से, अच्छी जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी है वो सब इसमें से मिलता है फ्रेंड। तो मैं राख तो सब पौधे में लाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। थोड़ा सा मैं एप्सम सॉल्ट भी डालूँगी, देखिए, क्योंकि इसे एसिटिक सॉइल भी चाहिए, इतना डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। राख है, मैंने राख भी डाल दिया है। अब मैं मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड, बहुत अच्छे से मिक्स करके गुड़ाई करके इसे दे दीजिए, और शाम को दीजिए फ्रेंड। आप जो भी खाद दे शाम को दे, अच्छा रहेगा। बस ये मिक्स हो गया। अभी मैं इसकी मिट्टी ऐसे करके एक साइड ऊपर में, एक साइड जो तना है उसके तरफ कर देती हूँ, और सब जगह में थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी ऐसे डाल दूँगी। तो देखिए आप फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि ये खाद दिया और ये काम किया तो कितना अच्छा, इसके साथ इसका रिजल्ट क्या है, कैसा आया, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी फ्रेंड। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है फ्रेंड इसका। फिर ये मिट्टी आप इसे मिट्टी से ढक दीजिए, जो खाद दिया है इसे ढक दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर अब इसमें पानी देना है फ्रेंड, अच्छे से पानी दे दी, बहुत पानी नहीं देना है, नीचे से भेजा इतना नहीं देना है फ्रेंड, और पानी ज़रूर दे दीजिए। और मैं कटिंग लगाई, वो ये डाली टूट गई थी फ्रेंड, ये डाली टूट गई थी तो मैंने यहाँ लगा दिया है।
ऐसे ही मैंने कुछ ना डाला नहीं है इसमें, ऐसे ही दबा दिया था मिट्टी में, ये गमला खाली पड़ा था तो इसमें डाल दिया, तो ये कटिंग अच्छे से हो गया है। अभी ग्रोथ भी नहीं आ रही है, देखिए नए नए पत्ते निकल रहे हैं फ्रेंड। तो ऐसा कुछ होता है ना फ्रेंड, ये देखिए यहाँ तो नई बहुत सारी नई पत्तियाँ निकली है, देखिए ये 8-10 दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया फ्रेंड इसे, पर अच्छी अच्छी नई नई पत्तियाँ निकल गई है। ये कटिंग भी अच्छा लग गया है, तो मैं इसे भी खाद दे दूंगी। इसमें थोड़ा पानी दिया सुबह, तो इसमें अभी नहीं दूंगी, कल दूंगी इसमें, तो अच्छे से ये भी ग्रोथ कर लेगा। नया एक मेरा पौधा भी बन गया, देखिए यहाँ से भी नई 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 निकल गई है, ये भी नई नई निकली है, देखिए ये तो बहुत ही अच्छी निकली है। देखिए फ्रेंड ये सब जगह से, यहाँ नोड है ना, वहाँ से सब जगह से नई नई फूट निकलेगी और पूरा ये अच्छी ग्रोथ कर लेगा, तो सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी हमें। तो फ्रेंड अभी से ये कर लीजिए आप जनवरी में, अब तो जनवरी का तो 10 दिन बाकी है बस, ज़्यादा तो है नहीं, 10 दिन के अंदर आप ये काम जरूर कर लीजिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि पौधे को टाइम भी देना चाहिए। वेस्ट में ये डोरमेंसी में था, तो अभी बाहर आएगा तो इसे अच्छी खाद अच्छी देखभाल चाहिए, और इसका गोड़ाई भी कर लीजिए तो अच्छी हवा भी मिलेगी, इसे कटाई छटाई करके अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, तो बहुत गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करिए, मैं भी कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर। इसका तो मैं नीचे गुड़ाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें बेबी सनरोज लगाया हुआ है, बेबी टीएस लगाया हुआ है, तो मैं बीच में थोड़ा खड्डा करके इसे खाद दे दूँगी, फिर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। देखिए ये तो अच्छी ग्रोथ कर ही रहा है, मैं इसे लिक्विड खाद देती रहती हूँ फ्रेंड सब पौधों में, तो अच्छी ग्रोथ तो कर ही रहा है। देखिए मेरा हवा की वजह से लटक गया है फ्रेंड, अभी कलियाँ बाकी है इसमें, पर यहाँ से टूट गया है तो मैंने बांधा है। बहुत ही 5-5.5 फुट का ये हो गया था, बहुत ही लंबा, और फ्लावर इतना बड़ा है ना, तो इसके वजन से ये डंडी झुक गई है, देखिए ऐसे ही झुक गई है, तो मैंने ऐसा यहाँ से बांधा है पर नहीं रहा है ठीक से। तो फ्रेंड आप अभी मोगरे में ये काम कर लीजिए, मेरे पास मोगरा है, मोगरे की बेल है, चमेली है, रातरानी है, जूही है, और सब में मुझे काम करना है, सब में मुझे ये खाद देना है, सब एक ही फैमिली के हैं फ्रेंड ये, तो सब में यही काम ऐसे ही करेंगे आप, अच्छी फ्लावरिंग करेगा आपके आपके घर पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड इसमें राख थोड़ी ज़रूर डालिए, मैंने एक मुट्ठी डाली है फ्रेंड, ये मैंने 3 गमलों के लिए बनाया था, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा मैं दे दूँगी। जो नीचे मेरी बेल है इसमें तो मैंने कभी आज तक जब लगाया 30 साल हो गए कभी मैंने इसमें कुछ खाद दिया ही नहीं है, बस पानी दे देती हूँ, पानी भी बहुत कम देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, तो मैं नीचे तो बहुत ही ध्यान कम दे रही हूँ। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप भी ऐसे ही करिए। देखिए मैंने सब इसमें दे दिया है, नई इसमें नई फुटान भी निकल रही है, तो बस आज मैंने ये काम कर दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका रिजल्ट क्या आया है। तो फ्रेंड आप भी ऐसा मोगरे के साथ ये काम जरूर कर लीजिए, जनवरी में ज़रूर करना है, कहीं देर ना हो जाए फ्रेंड, फरवरी से पहले ही ऐसे आप तैयार कर लीजिए। मुझे तो पता नहीं आपके वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, पर हमारे यहाँ गर्म हो रहा है, हवा बहुत चल रही है पर गर्म हो रहा है फ्रेंड, अब थोड़ा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं पर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन हमारे यहाँ धूप रहती है अच्छे से शाम तक, तो हमें ये करना ज़रूरी है। और मेरे यहाँ आपको दिखाया ना मैंने, ये नई नई सूट भी निकाल रहा है, देखिए ये सब जगह नई सूट निकाल रहा है, तो इसे मुझे खाद देना ज़रूरी था फ्रेंड, ताकि इसे ताकत मिले अच्छी और अच्छी ग्रोथ करे, देखिए अच्छी ग्रोथ कर सके, नए नए हमें फ्लावर दे। देखिए यहाँ भी छोटी छोटी वो टहनियाँ है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड ये, तो मुझे ये करना ज़रूरी था फ्रेंड, तो मैंने कर लिया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया,
और आप भी कर लीजिए, आपके मोगरे के पौधे को तैयार कर लीजिए। अभी यही सीजन है इसका, आने वाला है। देखिए यहाँ भी अच्छी सूट निकली है, दो निकली है, यहाँ से टूट गई थी तो यहाँ दो जगह निकला है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप कर लीजिए आपके पौधे में भी, यहाँ भी देखिए दो दो जगह निकला है। मैं ठीक से दिखाऊँ आपको, देखिए दो जगह निकली है सूट, दिख रहा है आपको? हाँ, बस देखिए ऐसे ही, और सब जगह छोटी 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 सब जगह फुटान निकली है। ये देखिए यहाँ एकदम छोटी है। तो फ्रेंड अभी मैं इसे पानी दे दूँगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो यहाँ तक है और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तो आप मेरा साथ दीजिए फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। सब्सक्राइब करने का पैसा तो बैठता नहीं है, मुफ्त में है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड। बाय।